हाय गाइस, मैं हूं प्रिंस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। ऑल राइट, तो भैया आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। फ्रॉन्क्स लेने की सोच रहे हो, ठीक है, और कन्फ्यूज हो कि कौन सा वेरियंट लूँ और कौन सा नहीं लूँ। ठीक है, बेसिकली वेरियंट्स बताओ तो सबसे पहले आता है बेस मॉडल सिग्मा, फिर आता है डेल्टा, फिर आता है डेल्टा प्लस, फिर इसके अंदर टर्बो आ जाता है, फिर जेटा, फिर अल्फा। तो आज की जो वीडियो आने वाली ना, ये दो मिड वेरिएंट की कंपेयर करने वाली हो। मारुति ने बहुत तगड़ा गेम लगाया भैया इन दोनों वेरिएंट्स की प्राइसिंग में। ठीक है, ये जो वेरिएंट देख रहे हो ये है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट और ये है डेल्टा प्लस वेरिएंट। ठीक है, अब भैया अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ, सबसे पहले प्राइसिंग से ही बात करेंगे, ये आपको पड़ता है 8,32,000 के आसपास, 9,45,000 रुपये जो है एक्स ऑन रोड पड़ता है, 8,32 जो है एक्स रोड पड़ता है, ऑन रोड आते आते 9,45,000 रुपये का पड़ जाता है, और ये पड़ता है भैया 8,72,000 के आसपास एक्स रूम, और ऑन रोड आते आते ये पड़ जाता है 9,85,000 के आसपास। दोनों मैनुअल वेरियंट्स की अपन बात करेंगे, हालांकि ये ऑटोमेटिक है तो सिर्फ ऑटोमेटिक मैनुअल का फर्क है, मैनुअल वेरियंट्स के बारे में बात करें, ऑटोमेटिक पे नहीं कर रहे ना। तो 9,45 और 9,85, ऑलमोस्ट मान के चलो अगर आप डेल्टा लेने जा रहे हो तो 40,000 से 45,000 रुपये ऊपर देने के बाद आपको ये मिल रहा है भाई। तो ऑफकोर्स ही बात है, कितने चीज़ें आपको मारुति ऐड करके दे रही है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 45,000 रुपये देने में आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है। होप्स आपके लिए जो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने लिए। अभी जो प्राइसिंग बताइए, ये अप्रॉक्स प्राइसिंग है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है हर स्टेट में। तो रुक्मणी मोटर्स की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो अगर आप फ्रॉन्क्स या कोई भी गाड़ी लेने का प्लान करो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले चाबी से बात करें तो चाबी मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा, अभी हाल फिलहाल अंदर ही पड़ी है। ठीक है, सबसे पहले फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट का लुक देखें, कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर ऑल हेलोजन सेटअप भी जो है आपको मारुति इसके अंदर ऑफर करती है, हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स भी हेलोजन है, प्लस एक हेलोजन बल्ब एक्स्ट्रा मिल जाता है, एंड क्रोम की ट्रीटमेंट फ्रंट में देखने को मिल जाती है, एंड कुछ ओवरऑल इस तरीके का फ्रंट लुक डेल्टा वेरिएंट का आता है। वहीं अगर फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो कुछ इस तरीके का जो है फ्रंट लुक डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफर करता है। यहाँ पर आपको ऑल एलईडी हेडलाइट सेटअप ऐड हो जाता है, एलईडी डीआरएल्स प्लस एलईडी इंडिकेटर्स प्लस एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद रिफ्लेक्टर बेस। ठीक है, बाकी ग्रिल दोनों की सेम ही लगती है, इसके अंदर भी आपको क्रोम की ट्रीटमेंट मिल जाती है, उसके अंदर भी जो है आपको क्रोम की ट्रीटमेंट जो है मारुति ऐड करके दे देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फ्रंट का हिसाब है, तो आप देख सकते हो उसमें ऑल हेलोजन मिल रहा है, 40-45 हज़ार रुपये ऊपर देने में आपको ये एलईडी सेटअप मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है भैया, और भी चीज़ें, बाकी डायमेंशन वाइज अगर बात की जाए तो दोनों सेम ही है। देखो डायमेंशन में तो वेरिएंट्स में कभी फर्क होता नहीं, 4,000 mm लेंथ है, 1765 mm की चौड़ाई है, और अपना 1550 mm की जो है हाइट ऑफर कर देती है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है दोनों गाड़ियाँ ऑफर कर देती है। बाकी अगर मैं रियल लुक से आपको अगर बताऊँ तो ये देखो कुछ इस तरीके का रियल लुक आता है। अब रियल से तो आप बेस को भी कंपेयर करोगे तब भी आपको कुछ फ़र्क ऐसा दिखने को लगेगा नहीं, बिकॉज ऑल एलईडी हेडलाइट सेटअप टेल लाइट सेटअप जो है मारुति ने रियर में ऑफर करा है फ्रॉन्क्स से। फ्रॉन्क्स की प्रॉपर बैजिंग है, सुजुकी का लोगो है, रियर डिफॉगर दोनों वेरिएंट्स में मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना भी आपको दोनों वेरिएंट्स में मिल जाता है, रूफ रेल्स भी दोनों वेरिएंट्स में मिल जाती है, 37 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 308 L की जो बूट स्पेस है वो मिल जाती है, वो सब चीज़ें सेम है। एक चीज़ का फर्क आता है वो है भैया यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि आपको डेल्टा में नहीं मिलता है, और लेकिन आपको डेल्टा प्लस में भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है भाई। ओ भाई साह, ये चीज़ मुझे अभी मालूम पड़ी है। ठीक है, तो दोनों ही वेरिएंट में जो है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मारुति ऑफर नहीं करती है। ठीक है, बाकी ओवरऑल इसमें भी 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, इसमें भी 4 रिवर्स पार्किंग, तो मैंने बोला दोनों का जो रियर सेटअप है वो ऑलमोस्ट सेम है, हालांकि टायर फर्क पड़ जाता है, इसके अंदर आपको स्टील रिम मिलते हैं, इसके अंदर आपको ब्लैक जो है अलॉय व्हील्स ऐड कर देती है मारुति। टायर साइज दोनों का सेम ही, ये भी 16 इंच है, ये भी 16 इंच है। ठीक है, तो उसके अंदर स्टील रिम मिलते हैं, व्हील कैप आप इसके अंदर लग के आती है, एंड इसके अंदर आपको जो है अपने को अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, एंड फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम्स, 37 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। बाकी डोर ट्रिम की बात करें तो कुछ इस तरीके की डोर ट्रिम इसमें मिलेगी। अब भैया डोर ट्रिम में भी आप दोनों वेरिएंट्स में इतना कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम है। स्पीकर की प्लेसमेंट है, मरून एंड ब्लैक का ड्यूल टोन इफेक्ट यहाँ मिल जाता है, ओवरऑल कंफर्ट के मामले में भी ठीक है, थोड़ा सा हेडरूम का दिक्कत रहती है, बाकी सारे जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल इसके अंदर मिल जाते हैं, प्रॉपर 5-सीटर कार बनाई है। इधर भी जो है आपको नो एसी वेंट्स मिलते हैं, एसी वेंट्स नहीं है, एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, एसी वेंट्स अपर वेरिएंट में मिलेगा जेटा और अल्फा से। ठीक है, ओवरऑल रियर का सेटअप ऐसा ही है। अब इसका भी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो इसका भी ओवरऑल जो रियर सेटअप है सेम ही है, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की सेम टू सेम डोर ट्रिम मिलती है, मरून एंड ब्लैक का फिनिश है, यहाँ पर पावर नस कंट्रोल स्पीकर की प्लेसमेंट है, ईयर इधर भी कोई एसी वेंट्स नहीं है, ऑफकोर्स ही बात है, एंड यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का इधर का हिसाब है। बाकी भैया अगर अपन बात करें इसके फ्रंट ड्राइवर साइड एरिया से, तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है फ़र्क देखने को मिलने वाला है। एक चीज़ बता दूँ, दोनों वेरिएंट्स में आपको हाइट एडजस्टेबल सीटें मारुति नहीं दे रही है, रिक्लाइनेबल एंड इंक्लाइनेबल एंड आगे पीछे ही आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ भी एक बताने वाली थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी या इसको बंद कर देते हैं,
एनिमेशन बताते हैं, ठीक है। तो दोनों ही वेरिएंट्स में वही 7 inches के अराउंड की जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी। इंफोटेनमेंट स्क्रीन में भी कोई फर्क नहीं आता डेल्टा प्लस में। MID भी सेम ही, आपको सेम ही MID जो है इसके अंदर डेल्टा प्लस के अंदर भी ऑफर कर रही है मारुति, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील भी सेम है, कुछ फर्क ऐसे है नहीं। मैं आपको भले एक बार कंफर्मेशन के लिए आप बोलो तो मैं आपको दोनों को एक बार और अच्छे से बता दूंगा। बाकी अगर इसका डिटेल रिव्यू देखना तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। वही 7 inches की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इसमें भी कुछ ऐसा चेंज नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू में कवर कर लिया, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट अभी करूंगा नहीं मैं, ठीक है। बाकी ऑटोमेटिक एसी बेस मॉडल से ही मिल रहा है। गियरबॉक्स आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है और मैनुअल का भी ऑप्शन मिल जाता है। 1200 cc का पेट्रोल इंजन मिलेगा नॉर्मल, अगर दोनों वेरिएंट लेते हो, ठीक है। टर्बो का ऑप्शन डेल्टा प्लस से मिलता है। तो 1200 cc का पेट्रोल इंजन नॉर्मली अगर आप लेते हो तो 90 bhp और 113 Nm मिलेगा, जो टॉक है वो झटके के देता है। बाकी हैंड ब्रेक की प्रेजेंस यहाँ पर है, एंड की दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम ही मिलने वाली है, ऐसी ही कि आपको दोनों मिनट्स में मिलेगी डेल्टा प्लस में। जेटा से जो है आपको थोड़ा डिफरेंट मामला मिल जाता है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन है, ऑटो इंजन स्टार्ट ऑफ एंड हेडलाइट लेवल मिल जाता है, ठीक है। बाकी फ्यूल लिड वगैरह खुलने का जो बटन है वो यहाँ पर दिया हुआ, थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पर भी दी हुई, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का ही हिसाब यहाँ मिलता है। बाकी यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट और एक USB सॉकेट जो है यहाँ पर मारुति दे देती है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ तो मैं आपको उसका भी जो है मामला दिखा देता हूँ एक बार, कि आपको लगे कि मैं बना तो नहीं रहा हूँ, इसलिए भैया पूरा क्लियर कट आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके की डोर ट्रिम है, सेम वैसे ही है, सेम उसमें ही रही है। चारों पावर के कंट्रोल्स है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरएम्स इसके अंदर भी मिलते हैं ऑटो फोल्ड एंड फोल्ड के साथ। उसके अंदर भी जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरएम्स उसमें भी मिलते हैं, ठीक है। चारों पावर के कंट्रोल्स है, हाइट एडजस्टेबल सीट इसके भी अंदर नहीं है, एंड ऑलमोस्ट इंटीरियर ऐसा ही है, ऑटोमेटिक है तो वो इग्नोर करो, सिर्फ गियर बॉक्स का फर्क आता है। अगर आप ऑटोमेटिक में डेल्टा लेते हो तो भैया 1,000,000 का पड़ता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरीके के कंट्रोल्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड सेम सिस्टम जो है इसके अंदर भी दिया हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि एक आपको ये अलॉय व्हील्स, जो कि बेसिकली है ना कि आप कह सकते हो एक तरीके से स्टीयरिंग को काट के डिज़ाइन करा हुआ टाइप का ही है, एंड फ्रंट हेडलाइट के पैसे आप मेनली इस दोनों गाड़ियों में देते हो, ठीक है। तो ये था 2023 मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट वर्सेस डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भैया मैं पैसे डाल रहा हूँ तो मुझे कहाँ डालने चाहिए कहाँ नहीं। अब चॉइस आपकी है, आपको कौन सा लेना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता है आपसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग का व्लॉग या बाइक व्लॉग के साथ। गर्मी बहुत है भाई। टिल देन पीस आउट, वेयर सीट बेल्ट, ड्राइव सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।